नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए कमाल धमाल बेमिसाल वीडियो में। मेरा नाम है तो आप देख रहे हैं टेक्निकल फिट्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपने रानू मंडल के बारे में तो नाम सुना ही होगा अगर आप जुड़े हैं यूट्यूब से और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से। पर दोस्तों, सबसे पहली जो बात आती है कि ये एक्चुअली माजरा शुरू कहाँ से हुआ। ऐसा कौन सा बंदा था जिसने ये वीडियो, यानी उनके जो फर्स्ट सॉन्ग था, वो वीडियो अपलोड करी किसी सोशल मीडिया साइट पे। तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में जानने वाले हैं। और तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए शानदार वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के आइए करते हैं प्रारंभ। दोस्तों, उस शख्स का अगर मैं नाम बताता हूँ विदाउट एनी फर्दर डिले, तो उसका नाम है यतीन्द्र चक्रवर्ती। जी हाँ दोस्तों, यतीन चक्रवर्ती जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो कि मुंबई में ही रहा करते हैं। अब बात जानते हैं कि जो रानू मंडल जी हैं, वो गाया करते थे रेलवे स्टेशन के पास गाना, और उन्हीं से उनका गुजारा होता था, उनका भरण पोषण उसी से होता था। तो जिसकी वजह से वो कुछ कमा लेती थी, उसके बाद फिर वो अपना खर्चा पानी इसी से चलाया करती थी। फिर किसी दिन ऐसा हुआ कि जो यतीन्द्र हैं वो उस रास्ते से जा रहे होंगे, या एनी हाउ उन्हें पता चला होगा, तो उनके पास गए होंगे। फिर उनका जब उन्होंने गाना सुना तो अपने फोन में किया रिकॉर्ड। अब जो वीडियो आपके सामने नजर आ रही है, वही उन्होंने वीडियो शूट किया था। उसके बाद उन्होंने अपनी आईडी पे डाल दिया, जो कि उनके फेसबुक का अकाउंट था। तो उस पे जब उन्होंने ये वीडियो डाला, तो काफी ज्यादा लोगों ने जब इसको देखा, उसके बाद पसंद किया, लाइक बढ़ी। और आपको पता ही है कि सोशल मीडिया का एल्गोरिथम यही होता है कि जिस चीज पे ज्यादा से ज्यादा व्यू आए, ज्यादा से ज्यादा वॉच टाइम है और ज्यादा से ज्यादा लाइक आए, तो उस चीज को अपने आप जो है प्रमोट करता है, वायरल करता है। अब जब ये सब चीजें होने लगी, उसके बाद फिर और कई सारे लोगों ने देखा, उसके बाद उन्होंने सोचा हम शेयर कर देते हैं। तो उन्होंने शेयर करना भी स्टार्ट किया। अब यहां से हुआ मेन फंडा शुरू। यहां दोस्तों, लाखों लोगों का दिल छूते हुए और लाखों लोगों की दुआएं लेते हुए, उनका प्यार बटोरते हुए रानू मंडल जी का ये गाना पहुंचा फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी हस्तियों के पास। जी हाँ, जो कुछ बड़ी हस्तियों के नाम सामने निकल के आते हैं, उनमें हिमेश रेशमिया, सलमान खान जी हैं, जिन्होंने सलमान खान जी ने कहा कि उनको कास्ट करना है। उसके बाद हिमेश रेशमिया जी का भी जिक्र सामने आया है, उनकी वीडियो भी सामने आई है कि उनके स्टूडियो में जो है उनके साथ शूटिंग चल रही है तेरी मेरी कहानी, जो कि उनकी अपकमिंग मूवी में होने वाला है सॉन्ग, उसकी शूटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। हालांकि जो है 15-20 सेकंड का ऑडियो है, जिसमें आपको वीडियो भी देखने को मिल जाएगा। हालांकि वो कोई ऑफिशियल उसकी अनाउंस डेट नहीं निकल के आई है सामने, और ना ही वो लॉन्च हुआ है, बस ये ट्रेलर सॉन्ग समझ लीजिए। फिर भी इतना वायरल हो रहा है, जैसे लग रहा है कि भाई पूरा गाना ही निकल आया है। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए उनकी जो बेटी है, यानी रानू मंडल जी की जो बेटी है, वो भी सामने निकल के आई है, जो कि 10 साल के बाद उनसे फिर वापस मिली है। और रानू मंडल जी काफ़ी शुक्रगुजार हैं यतीन्द्र चक्रवर्ती के, सलमान खान जी की, और सारे फैंस के, जिन्होंने उनको इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। क्योंकि ये समझ लीजिए कि वो सब चीज़ें तो बाद में आई, सबसे तो बाद वाली बात तो सबको पता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन सबसे पहली जो बात निकल के आती है कि उसको वायरल करने वाला बंदा, यानी यतीन्द्र चक्रवर्ती, तो सबसे पहला श्रेय उसी को जाता है, क्योंकि उन्हीं की बदौलत वो आज स्टार हैं। अगर उन्होंने वीडियो नहीं बनाई होती, नहीं अपलोड करी होती अपने अकाउंट पे, तो ऐसा हो सकता था कि आज उनको कोई नहीं जानता। जैसे उनकी सारी ज़िंदगी, सारी उम्र बीत गई थी, वैसे उनके जो कुछ और 20-50 साल बचे हों वो भी गुजर जाते, किसको परवाह थी, किसको पता था। देखा काफ़ी सारे लोगों ने होगा, लेकिन भाई कहते हैं ना, हीरे की परख जौहरी को ही होती। तो वही वाली हाल समझ लीजिए कि फिर फिल्म इंडस्ट्री ने जो है समझा उनके टैलेंट को, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की, और उनकी पूरी लाइफ जो है बदल करके रख दी। तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास पास ऐसा कोई दिख जाता है जिसके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छा टैलेंट है, आपको लगता है कि आगे बढ़ सकता है, तो उसको प्लीज़ बढ़ाने की कोशिश कीजिए, उसको मोटिवेट कीजिए। उसको डीमोटिवेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको बुरा भला कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सोशल मीडिया को अपने अच्छे के लिए यूज़ कीजिए, दूसरों की भलाई के लिए यूज़ कीजिए। और मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, इस वीडियो में भी कह रहा हूँ, मेरे जो रेगुलर ऑडियंस होंगे या जिन्होंने मेरी दो वाली वीडियो देखी होंगी, तो वो कहेंगे भाई हर चीज़ में जो है एक ही लेक्चर ढाला रहता है। लेकिन मैं क्या करूं दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस के पास पहुंचे ये बात उतना अच्छा है कि आप अपनी सोशल मीडिया की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाइए, उसको समझिए। और अगर आपके पास कोई फैक्ट आता है, देख रहे हैं तो गर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई है फिलहाल, तो आप भी आते हैं, अगर आपके पास कोई ऐसा चीज आता है जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, ढकोसला लगता है, आपको फेक लगता है, या फिर एकदम अचंभित करने वाला लगता है, तो उसको प्लीज आप एक बार एनालाइज कीजिए। अगर आप उसको एनालाइज नहीं कर सकते, तो उसको वहीं पर छोड़ दीजिए। कोई शेयर करने की जरूरत नहीं है, किसी को भेजने की जरूरत नहीं, और किसी से उस बारे में बात करने की भी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बात उससे कह सकते हैं जो आपका मैटर सॉर्ट आउट कर सकता है। बाकी बस आज की वीडियो में इतना है। अब आपको वीडियो पसंद आ गया होगा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद, प्लीज लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए शानदार वीडियोस लाता रहता हूं।